गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, रेस्पेक्टेड लिसनर्स। मैं आज पब्लिक सेक्टर की स्मूथली रनिंग की बात करूँगा। सबसे पहले तो इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर है वह पूरा एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है इनका मैनेजमेंट एक ही कैटेगरी का माना जाता है। भारत का प्रबंधन, पाकिस्तान का प्रबंधन और चीन का प्रबंधन कहीं नहीं बढ़ाया जाता विश्व में। भारतीय प्रबंध संस्थानों में भी मैं स्वयं जहाँ पढ़ा हूँ, मैंने देखा है, वहाँ अमेरिकन और जापानी प्रबंधन की बात की जाती है। रशियन प्रबंधन भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता। पर्सनल मैनेजमेंट, कार्मिक प्रबंधन, भारत में रोजगार के जरूरतमंद लोगों को, जिसको आम लोग भी कहा जाता है, जागृत और संगठित होने की जरूरत है। इनकी जागृति भी बहुत आवश्यक है। 36 बिरादरी कही जाती है समाज में, उन्हें 36 राजनीतिक दल भी हैं। बड़ा भारी भरकम कंपटीशन है यहाँ के मतदाता के लिए, बहुत ऑप्शन सामने उपलब्ध हैं एक से एक। इसके लिए आपको जागृत और संगठित होना आवश्यक है। पहले मैंने जॉब राइट की बात की थी कि स्थानीय स्तर पर लोगों को आसानी से रोज़गार दिया जाए। रोज़गार को इतना जटिल बनाने प्रयास किया जा रहा है, टुकड़ों में भर्तियां निकालना उसकी जटिलता को और बढ़ा देता है। दौड़कर हाँफ जाता है प्रार्थी, प्रतिभाशाली प्रार्थी। अननेसेसरी एक्सरसाइज वो यहाँ करवाई जाती है, लोग पहले समझें। स्थानीय ये भी समस्या खत्म हो जाएगी जो पोस्टिंग का मामला है, जब अधिकारी और कर्मचारी उनके नज़दीक स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध होने के बावजूद जब उनको दूर धकेला जाता है तो मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। शारीरिक रूप से तैयार हो सकते हैं, इससे उनकी कार्य क्षमता भी घटती है, उबावपन आता और उनमें अलगाव भी पैदा होता है। अलगाव के स्थान सोच उनकी जो है बदलती है, उसे अन्याय मानते हैं। मुझे याद है कि एक बार एक अधिकारी अध्यापकों की सभा में उनको कुशल अध्यापक बनने की प्रेरणा दे रहे थे। उपमंडल अधिकारी नागरिक और साथ में अतिरिक्त उपायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जैसे लोगों की मीटिंग थी और सरकार ने उनको अध्यापकों को इनिशिएशन करने के लिए, इनक्रेज करने के लिए भेजा था। एक महिला जो प्राथमिक शिक्षक थी, उस शिक्षिका ने उन तीनों को निरुत्तर कर दिया कि जो मेरे गांव के प्राथमिक विद्यालय में पद रिक्त हैं, मुझे 300 किलोमीटर नाव से रूप से सफ़र करना पड़ता आने जाने में, घर से दूर रहने में और अपनी जमी जमाई जीवन व्यवस्था से बेदखल होने के लिए मुझे धकेल दिया गया। तीनों अधिकारी और वहाँ भारी भरकम उपस्थित लोग निरुत्तर हो गए। अधिकारियों ने यही कहकर पीछा छुटाया कि नाराज मत होना, और हम ऐसा कह भी नहीं सकते, कहना पड़ेगा आज, हम भी आपकी तरह हैं, सरकार की नज़रों में सभी श्रमिक हैं, आपकी नज़रों में पद बदले गए हैं, ये चीफ सेक्रेटरी है, ये प्रिंसिपल APN, उन सभी की सोच इतनी है कि पैसे हम देते हैं और ये अधीन हमारे काम करें, हमारे आदेशों की पालना करें। अच्छी बात यदि हम भी आपकी बात रखेंगे तो वो हमसे खफा हो जाएंगे कि दर्शन शास्त्र किसने सिखाया तुम्हें, और ये सीख हमें ना दें, फील्ड में जाएं और अपना काम तेज गति से करें। तो सबसे बड़ी बात ये कि इन लोगों ने पद स्थापन जो कितना सरल सा कार्य है,
जॉब राइट की मैंने बात इसलिए की थी कि स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं, हॉस्पिटलों में पद रिक्त पड़े हैं, पूरा सेवा क्षेत्र, बैंकों में पद रिक्त पड़े हैं, पूरा सेवा क्षेत्र लड़खड़ा रहा है। बिना मतलब में सेवा क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है कि अच्छी सेवा नहीं है, उत्कृष्ट दर्जे की सेवा नहीं है। भारतीय कर्मचारी राजनीतिक रिश्तेदार की बात मैं नहीं कर रहा, काम करने के लिए योग्यता वाले विषय में धमक है उसकी। 5 के बहाने 95 को बदनाम नहीं किया जाए। डेपुटेशन के नाम पर जो पूरी पदस्थापन की व्यवस्था को जो लूट में बदला, लोगों को तरसा कि हम चाहेंगे वहाँ लगाएंगे, अपनों को इधर और तुमको उधर, ये ठीक नहीं है। इसने व्यवस्था को बहुत कमज़ोर कर डाला, पंगु बना डाला। मुख्य रूप से इसी पर ध्यान दिया जाए। जो कर्मचारी संगठन है, जो नेताओं के, राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारा मुंह बंद है, हम सिर्फ उनके लिए, उनसे ताल से ताल मिलाने का काम करते हैं, मुद्दे उठाना हमारा काम नहीं, हमारा काम चिल्लाना है। उन कर्मचारी संगठनों से और छात्र संगठनों से कहता हूँ कि वो बाहर आए, सीआर यूनिवर्सिटी एक निष्पक्ष सर्वधर्म की तरह एक सर्व भाव वाला जो गैर राजनीतिक संगठन, कर्मचारी संगठन, कर्मचारी सोच से जुड़ा हो, नेताओं का पीछे लगो न हो, उनकी दुकान चलाने के लिए ना हो, ऐसे में छात्र संगठनों को कहूँगी छात्रों के हितों के लिए भी सीआर यूनिवर्सिटी जो है इस चैनल पर आप आइए। और हमने हमेशा हर चीज़ को दावे के रूप में, कानूनी दावे के रूप में कहा है, ये कानून दावा कि हम निष्पक्ष भाव से आपके हित की बात उठाएंगे। कहीं भी इस तरह की बदबू नहीं आएगी कि हम किसी की पैरवी कर रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं। जॉब राइट स्थानीय स्तर पर छोटे वेतन की नौकरियां पैदा की जाए। वेतन 2 लाख रुपए मासिक ले रहे हैं उनका न बढ़ाने पर जोर दिया जाए, 10,000 ले रहे हैं उनका बढ़ाने पर जोर दिया जाए। ये लोकतांत्रिक प्रणाली परिभाषा है। 2 लाख वाले पेट भर चुका है और पदों की संख्या बढ़ाई जाए, भरी जाए, बढ़ा तो रखी है। हर राज्य और केंद्र सरकारों में बड़े स्थान पैमाने में पद रिक्त पड़े हैं, बहुत बड़ी मेहनत पर उपलब्ध है, और वेतन का बोझ इतना न बनाया जाए। वेतन भत्तों का लोगों की प्रमुख मांग स्थानीय स्तर पर, एक व्यक्ति आधे वेतन में स्थानीय स्तर पर काम करने को तैयार है। स्थानीयता का भाव उसी पता होता है जो व्यक्ति 400 किलोमीटर दूर बैठा, चाहे तहसीलदार के पद पर। मैंने खुद कहता सुना है कि नए घरों का निर्माण बेवकूफ़ी के दौर की वजह से बढ़ा, धक्के खाने का और शहरी व्यवस्था का, इन लोगों ने जन्म दिया, पोषित किया सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए। लीबिया का गद्दाफी और अफगानिस्तान का राष्ट्रपति वजह से भगतवा सा नजर आ रहा था। इस तरह की अव्यवस्थाएँ हमारे देश में पैदा नहीं की जाएं। अरंडली उपार्जित अवकाश जो धन वेतन के रूप में उनको रूपांतरित किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 60 आकस्मिक अवकाश एक मुश्त दे दिए जाए। कैजुअल लीव जो लोग दूर, मैं स्थानीय स्तर के लोगों की ये सुविधा कम कर सकता हूँ, परंतु जो दूर डिस्टेंस पर जो लोग बैठे हैं उनकी कम से कम, जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों जो सैनिक होते हैं उनको अलग से वेतन भत्ती दी जाती है। इस तरह अन्य नहीं चाहिए। अनलीव दूर दराज के कर्मचारी सबसे बड़ा आकस्मिक अवकाश का महत्व है, घर आने के लिए, छुट्टियों के दौरान घर से जाने के लिए और अन्य घर के कार्यों में भाग लेने के लिए, शादी और अन्य समारोह में खुशियां मनाने के लिए ऑप्शन जरूर दिया जाए। स्थानीय लोग अनलीव को जरूर महत्व दे सकते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती, वो चाहते हैं कि छुट्टियों वाले धन भी ले लिया जाए, उनकी सुविधा सरकार बरकरार रखे, उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो लोग दूर दराज वाले, उनको ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको नगद इतना दिया जाएगा और यदि आप उसका उपभोग करेंगे तो आप डबल अवकाश दिए जाएंगे, इससे राजकीय धन भी बचेगा। तो पद स्थापन और छुट्टियों के मामला जो है, और जॉब राइट, मैं ये भी कहूँगा जो राजनीतिक प्रणाली में जो 36 राजनीतिक दल हैं
कुछ भली सोचों के साथ संसद में जरूर चिल्लाएं, विधानसभा में जरूर चिल्लाएं, इस तरह के मुद्दे लेकर गूंगे और बहरे न बने, किसी के कच्छों और पजामों का रंग न बताएं। जरूरत है इस शासन प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने की ताकि जनलाभ मिले। धन्यवाद।